की सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है। बहराइच बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है। अधिकारियों को सीएम योगी ने आदेश दिया है, उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई हो, मूर्ति विसर्जन जारी रहेगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे, जिनकी लापरवाही से घटी है घटना उन्हें भी चिन्हित किया जाए, कार्रवाई होगी। और बातचीत करने के लिए संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है, मुख्यमंत्री इस पूरे मसला पर गंभीर हो गए हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के जो महसी में घटना हुई है उसको संज्ञान में लिया और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है अफसरों को कि मौके पर अफसर उपस्थित रहें, पुलिस और प्रशासन के अफसर वहां पर सख्ती करें और जो लोग इसमें आरोपी हैं उनको चिन्हित किया जाए, उपद्रवियों की पहचान कर उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर ये निर्देश अफसरों को दिए हैं और ये भी कहा है कि सभी को सुरक्षा की गारंटी है और किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश देते हुए उपद्रवियों को चिन्हित करने की चिन्हित करने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए। संकेत, क्या माना जाए, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है ऐसे में क्या बहराइच के कुछ अफसरों पर एक्शन भी लिया जा सकता है, कुछ कार्रवाई भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी जिम्मेदार हैं उन सभी की एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है मुख्यमंत्री कार्यालय ने। मुख्यमंत्री कार्यालय इस रिपोर्ट को देखेगा और उसमें जो भी लापरवाही होंगी, जो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अफसरों को भी दिए हैं, प्रशासन और पुलिस के अफसरों को, जो स्थानीय अफसर हैं उनको मौके पर उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि सभी को सुरक्षा की गारंटी है और जो प्रतिमा विसर्जन और धार्मिक संगठनों से संवाद कराया जाए उसके बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाए, यानी कि प्रतिमाओं का विसर्जन जारी रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।